हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम वेबसाइट क्रिएट करने जा रहे हैं बाय यूजिंग द एमएस वर्ड, एंड वो हमारी वेबसाइट होगी स्टैटिक वेबसाइट। ठीक है, तो उसे स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, वर्ड को ओपन करना होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, डेस्कटॉप के स्टार्ट पे जाएं और वहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके पास कोई भी है उसे क्लिक करें और उसे ओपन कर लें। जब ये स्टार्ट हो जाएगा आपकी स्क्रीन ऐसे आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, हमें जैसे कि वेबसाइट क्रिएट करनी है तो हम क्या जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है वेब लेआउट की, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा जिसमें हम काफ़ी सारी इमेजेस वगैरह ऐड करेंगे, मेन्यू वगैरह ऐड करेंगे। तो उसे ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और वहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होगी टेबल की। टेबल को हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारे जो एलिमेंट्स हैं उसको हम अरेंज कर सकें परफेक्टली। सो हमें क्या करना होगा, 3 से 4 रोज हम ले सकते हैं और कॉलम हमें एक ही लेना है। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक करो यहाँ पे, देन आपको यहाँ पे टेबल के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, होम के ऊपर जाके आपको करना है इसे सेंटर लाइन कर देना है ताकि हमारी जो वेबसाइट का जो भी स्ट्रक्चर होगा वो हमारा सेंटर में आएगा, ताकि लेफ्ट और राइट में ना जा सके। तो ये हमारी आ गया सेंटर में। अभी हमें क्या करना है, हेडर को इंसर्ट करना है। जो फर्स्ट रो है हमारे पास, इसे हम कहते हैं हेडर। तो इसे इसके अंदर हम हेडर में नई पिक्चर जो होगी उसे इंसर्ट करेंगे। सो पिक्चर्स को ओपन करो, आप देख लो आपने पिक्चर्स कहाँ पे रखी है। ठीक है, मेरे पास पिक्चर डेस्कटॉप पे पड़ी है, तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पे जो फर्स्ट पिक्चर है इसे ऐड कर दूँगा। ठीक है, उस पिक्चर को आपको सेलेक्ट करना है, देन यू हैव टू सेलेक्ट ऑन द इंसर्ट बटन। तो इंसर्ट के ऊपर आप क्लिक करो, आपकी इमेज जो भी होगी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा वेबसाइट का क्या बन जाएगा, हेडर बन जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, एक जो वेबसाइट होती है उसका एक मेन्यू क्रिएट करना है। तो मेन्यू क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, तो कैपिटल लेटर्स में आप टाइप कर सकते हो, लाइक होम हमने टाइप किया। उसके बाद रेसिपीज, ठीक है, रेसिपीज आप यहाँ पे एक मेन्यू ऐड कर दिया। उसके बाद कॉन्टैक्ट, सारे लेटर्स कैपिटल में लिख लो, कॉन्टैक्ट अस, और नेक्स्ट हमारा हो गया अबाउट अस। तो आप ऐसे 4 मेन्यू यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सभी को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है और इसे क्या कर देना है, सेंटर लाइन कर देना। सेंटर लाइन करने के बाद इसका फॉन्ट साइज आप इंक्रीज कर दो ताकि ये पूरी स्पेस को कवर कर जाए। देन यहाँ पे हमारा 28 पे हो गया इसका फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज। तो हमें क्या करना है, अब इसका थोड़ा स्टाइल देने के लिए हम यहाँ पे कोई स्टाइल रख लेंगे, लाइक वी कैन सेलेक्ट दिस वन। सो आप इसे सेलेक्ट कर लो तो आपका जो इसका डिज़ाइन होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका साइज थोड़ा कम कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे। तो नाउ इफ़ यू हैव टू सेपरेट द मेन्यू फ्रॉम द हेडर, हमें क्या करना होगा, ये जो भी पोर्शन थोड़ा एम्प्टी है साइड पे, हमें क्या करेंगे, इसकी बैकग्राउंड चेंज कर देंगे। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, ये वाली ऑप्शन पे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे शेडिंग, इसके ऊपर जाके आपको करना है कोई बैकग्राउंड कलर दे दो। ठीक है, आप इसका कलर भी दे सकते हो, अगर आप पूरे टेबल को देना चाहते हो कलर, तो टेबल के ऊपर सेलेक्ट करो, शेडिंग के ऊपर जाओ और ये वाली ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कर दो। तो मतलब जितना भी हमारा टेबल होगा उसकी उसकी बैकग्राउंड वो वाले कलर की हो जाएगी। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, जब भी हम होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा ये पेज ओपन होगा। रेसिपीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो रेसिपी वाला पेज ओपन होना चाहिए। सिमिलरली फॉर कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस का पेज ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही हमें जैसे हमने ये एक पेज क्रिएट किया, सिमिलरली हमें 3 पेज और क्रिएट करने होंगे। ठीक है, तो ये सब पेज क्रिएट करने से पहले हमें क्या करना होगा, इस डॉक्यूमेंट को पहले सेव करना होगा। तो सेव करने की भी एक टेक्निक है इसमें, इसे हम करेंगे सेव एज के ऊपर क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे एक लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, लाइक डेस्कटॉप फोटोज़ के अंदर यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करूँगा। ठीक है, जैसे मेरी वेबसाइट का नाम है रेसिपीज, तो मैंने इसका नाम दे दिया, तो इस फोल्डर के अंदर मैं इसको सेव करूँगा। तो यहाँ पे आपको सेव एज टाइप के अंदर क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पे वेब पेज को सेलेक्ट करना है। ठीक है, वेब पेज को सेलेक्ट किया और पेज का नाम क्या हो गया हमारा, होम। तो आप इसे क्या कर दो, यहाँ पे सेव कर दो। ठीक है, इस पेज को मैंने सेव कर दिया और इसका नाम भी देखो यहाँ पे क्या आ गया, होम आ गया।
नाउ वी हैव टू क्रिएट सिमिलर थ्री पेजेस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये वाले फोटोज़ वाले फोल्डर के अंदर मैंने एक रेसिपीज़ नाम का क्रिएट किया था फोल्डर, ठीक है। तो इसके अंदर मैं सिमिलरली इसके जैसे तीन पेज और क्रिएट करूँगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वर्ड पैड की हमें तीन फाइल्स और चाहिए, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करूँ, इसका नाम मैं दे दूँगा RE रेसिपीज, ठीक है। इसको हमने क्रिएट कर लिया, इसको आप ओपन करो। ओपन करके आपको क्या करना है, इसे सेव कर, इसको सेव करना है सेव एज वेब पेज, ठीक है। सिमिलरली वेब पेज के हम सेव कर लेंगे, इसका नाम क्या हो गया, रेसिपीज, और इसको भी आप सेव कर लो, ठीक है। हम इसे क्लोज करेंगे। सिमिलरली वी विल क्रिएट अनदर वन, ठीक है। न्यू के ऊपर आपको जाना है, देन वर्ड डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, इसका नाम दे देंगे हम कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। इसको भी आप ओपन करो और इसको भी सिमिलरली आपने क्या करना है, सेव कर एज अ वेब पेज, ठीक है। ऐसे ही हमें नेक्स्ट पेज भी क्रिएट करना है, जिसका नाम क्या है, अबाउट अस। न्यू पे जाएंगे हम, ठीक है। न्यू पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, वर्डपैड, सिमिलरली वही प्रोसेस हम रिपीट कर रहे हैं। तो इसको भी हमने सेव करना है, ऊपर क्लिक करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेब पेज को सेलेक्ट करेंगे, इसका नाम क्या दे देंगे, अबाउट अस, ठीक है। तो सेव कर दो। नाउ हमारे पास क्या हो गए, चार पेजेस हो गए, ठीक है। तो ये वाले जो पेजेस है आप इसको क्या कर दो, डिलीट कर दो, इनको हमने डिलीट कर दिया। नाउ वी हैव फोर पेजेस, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, होम एंड रेसिपीज। अभी आपको क्या करना है, होम के ऊपर राइट क्लिक करके इसको ओपन विद करना है वर्डपैड के साथ, ठीक है, ताकि हम बाकी जो कंटेंट है उसको मॉडिफाई कर सकें, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इनके हमें हाइपरलिंक क्रिएट करने हैं, ठीक है। होम के ऊपर जाके होम को आपको सेलेक्ट करना है, इंसर्ट के ऊपर जाना है, यहाँ पे आपको हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे करंट फोल्डर के अंदर हमारे पास आ जाएगा होम, ठीक है। होम को आपके आपने क्या करना है, होम को होम के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जैसे रेसिपीज है, रेसिपी को रेसिपी के साथ कनेक्ट कर दो, कॉन्टैक्टर्स को कॉन्टैक्टर्स के, ठीक है। यही प्रोसेस हमें बार बार रिपीट करना है। तो अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, होम को होम के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये हमारी कनेक्शन हो गया, ठीक है। रेसिपीज सिमिलरली इंसर्ट के अंदर हाइपर लिंक, और यहाँ पर रेसिपीज आ गया, ओके कर दो। ऐसे ही हमें इसके हाइपर लिंक्स हैं जो वो क्रिएट करने हैं, ठीक है। अबाउट अस, और यहाँ पे भी क्या आ गया, अबाउट अस। तो ये हमारे हो गए हाइपर लिंक क्रिएट, इसको आप क्या कर दो, सेव कर दो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यही सेम कंटेंट बाकी पेजेस के ऊपर पेस्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल को आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे, कॉपी करोगे। तो इसको हमने क्या कर लिया, कॉपी। इसको आप फिलहाल कर दो मिनिमाइज, ठीक है। अभी हमें ओपन क्या करना है, रेसिपीज वाले फोल्डर को ओपन करना है, ठीक है। इसको आपने ओपन करना है ओपन विद MS वर्ड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें राइट क्लिक करना है और पेस्ट के ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है। याद रखना है कि कीप सोर्स फॉर्मेटिंग के ऊपर ही सिलेक्शन होगा, ठीक है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग के ऊपर। तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, आपका सेम फॉर्मेट यहाँ पे भी आ जाएगा। तो इसको भी आप क्या कर दो, सेव। रेसिपीज को हमने कर दिया सेव। सिमिलरली हमें कॉन्टैक्टर्स को ओपन करना है सिमिलरली विद द MS वर्ड के साथ, और वहाँ पे भी क्या कर देना है, सारा कंटेंट वही पेस्ट कर देना है, उसे क्या कर देना है, सेव कर देना है, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे अबाउट अस के ऊपर, ठीक है। इसको भी आप हमने क्या करना है, MS वर्ड के साथ ओपन करना है। MS वर्ड के साथ ओपन करके राइट क्लिक करो और पेस्ट कर दो, ठीक है, और पेज के ऊपर कर दो, सेव कर दो। नाउ हमारा जितना भी कंटेंट था हमने सेव कर दिया, तो हम पहले वाली फाइल जो होम वाली थी उसे क्या कर देंगे, ओपन करेंगे, ठीक है, ताकि हम बाकी जो कंटेंट है इसके ऊपर ऐड कर सकें। तो अभी आपको थर्ड रो में क्लिक करना है, तो नई पिक्चर्स इंसर्ट करना है, ताकि हम थोड़ा वेबसाइट को और लुक दे सकें थोड़ी सी। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, ये वाली पिक्चर को इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा और इसको नीचे एक्सपेंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा पिक्चर के ऊपर, फॉर्मेट पिक्चर के ऊपर जाऊँगा, ठीक है। देन रिफ्लेक्शन
और यहाँ पे मैं 1% इसको इंक्रीज कर दूंगा, तो ये इसकी रिफ्लेक्शन हो जाएगी नीचे से। ठीक है, तो ये भी हमारा काम हो गया। उसके बाद हम लास्ट रो में करेंगे क्लिक, इंसर्ट के ऊपर जाएंगे, पिक्चर्स के ऊपर जाएंगे और बाकी जो रहती पिक्चर्स हैं हम उनको इंसर्ट कर देंगे। पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, सेकेंड वन एंड थर्ड वन, तीनों को सेलेक्ट किया और इंसर्ट किया। यहाँ पे ऐसे हमारी पिक्चर्स आ गई सारी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, इनको थोड़ी और लुक देने के लिए हमें क्या करना होगा, फॉर्मेटिंग करनी होगी थोड़ी सी इसकी। ठीक है, फॉर्मेट पिक्चर, शेडो के ऊपर जाएंगे, 1% इंक्रीज कर दो यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे नीचे देखो ब्लैक शेडो आ गई इसकी। ठीक है, तो सेम प्रोसेस हमें इसके ऊपर भी अप्लाई करना है और बाकी जितनी भी पिक्चर्स हैं सबके ऊपर हम ये सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। ठीक है, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो अभी तक आपने अगर मेरा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी मैं नई कोई पोस्ट डालूँ तो आपको उसका अलर्ट जो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया यहाँ पे कंप्लीट। तो ये थोड़ी पिक्चर्स कम स्पेस कवर रही है, कवर कर रही है, तो हम थोड़ा इसे एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट का बन गया स्ट्रक्चर यहाँ पे, यू कैन सी। सो नाउ ये बॉर्डर को हटाने के लिए हम टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है बॉटम बॉर्डर, बॉर्डर की ऑप्शन है, तो इसके ऊपर क्लिक करो और नो बॉर्डर इसके ऊपर क्लिक कर दो, तो ये हमारा बॉर्डर हट जाएगा और इसकी लुक थोड़ी और इम्प्रेसिव हो जाएगी। ठीक है, इसको आप कर दो अभी सेव, इसको हम सेव कर देंगे। ठीक है, तो इसे आप क्रॉस कर सकते हैं। अभी हमें क्या ओपन करना है, रेसिपीज़ वाली फाइल को एमएस वर्ड के साथ ही ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रेसिपीज़ ऐड करनी है, हमें क्या करना है यहाँ पे रेसिपीज़ ऐड करनी है। तो इसको ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, लास्ट वाली जो रो है उसके यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, कर्सर बाहर ब्लिंक करना चाहिए, तो आप यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे। ठीक है, 3-4 बार आप एंटर प्रेस करो ताकि हम 3-4 रेसिपीज़ हैं उनको यहाँ पे ऐड कर सकें। ठीक है, तो एक रो छोड़ के आप यहाँ पे क्लिक करोगे और देन यू हैव टू क्लिक ऑन द इंसर्ट एंड पिक्चर्स अगेन, देन आपको वही लोकेशंस पे जाके आपको पिक्चर्स जो भी हैं उनको इंसर्ट करना है वन बाई वन। ठीक है, इसको भी आप इंसर्ट कर दो। ठीक है, अभी नेक्स्ट रो में क्लिक करो, इंसर्ट पे जाओ, पिक्चर पे जाओ। ठीक है, इसको भी क्लिक करके ऐड कर दो। सिमिलरली वी कैन ऐड द पिक्चर्स दैट आर लेफ्ट, सो इसको भी आप यहाँ पे ऐड कर दो। लास्ट पिक्चर हमारी रहती है। ठीक है, इंसर्ट पिक्चर और फोर्थ हमारी रेसिपी आ गई यहाँ पे। ठीक है, ये पिक्चर की फॉर्म में मैंने सेव करके रखी थी, आप देख सकते हो। जब भी हम रेसिपी वाला पेज ओपन करेंगे ये पेज हमारा ओपन होगा। ठीक है, जिसके ऊपर हमने रेसिपीज ऐड की हुई है, तो इसको भी आप कर लो सेव और इसे कर दो क्लोज। देन हमारा आ गया कॉन्टैक्टर्स। ठीक है, कॉन्टैक्टर्स को भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ ओपन करें। देन आप इसमें एक रो छोड़ के यहाँ पे, ठीक है, कॉन्टैक्टर्स मतलब अपना कोई भी कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे पहले से बना के रखा हुआ है, इसे आप कॉपी करें। ठीक है, जैसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, इसे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, पेस्ट कर दिया, इसको थोड़ी लुक दे देते हैं, बोल्ड कर दो, फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज़ कर दो। ठीक है, और इसका इंडेंट इंक्रीज़ कर दो थोड़ा सा ताकि ये यहाँ पे आ जाए। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसका भी जो बॉर्डर है वो नो बॉर्डर के ऊपर कर देंगे। ठीक है, और इसको भी ये कर दो सेव कर दो। और लास्ट में रह गया हमारा अबाउट अस, इसे भी आप ओपन करें एमएस वर्ड के साथ, तो वो इसका कंटेंट भी मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है। ठीक है, ये ऐसे ही कोई भी बाई डिफॉल्ट कंटेंट है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और इस सारे को आप सेलेक्ट करो यहाँ तक, इसको कर दो जस्टिफाई, और यहाँ पे हम इसका थोड़ी सेटिंग कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सही से लगे। ठीक है, और इंक्रीज़ कर देते हैं इसका कंटेंट। देन अबाउट अस, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज़ कर दें, इसको बोल्ड कर दें। ठीक है, तो ये हमारा कंटेंट बन जाएगा ऐसे।
तो जब भी हम अबाउट अस वाला पेज ओपन करेंगे ऐसे हमारे पास शो हो जाएगा। तो इसका भी बॉर्डर हम क्या कर देते हैं, नो बॉर्डर सेलेक्ट कर देते हैं। तो इसको क्या कर दो आप, फिलहाल सेव कर दो। तो जो फर्स्ट पेज है हमारा होम पेज, उसको आप ऐसे ही डबल क्लिक करोगे और ये ब्राउज़र में ओपन होगा। आप देख सकते हैं ये कंटेंट जो हमने वेब वर्ड पैड में बनाया था वो अभी ब्राउज़र में ओपन हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर आ गया। तो अगर हम रेसिपीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारे पास रेसिपीज़ आ चुकी हैं। ठीक है, कंटेक्टस कंटेक्ट्स आर, और अबाउट अस के अंदर हमारा अबाउट अस का कंटेंट जो भी था वो आ गया फिर से वापस। तो ऐसे हमने क्या किया यहाँ पे आज, वेबसाइट क्रिएट की बाय यूजिंग द एमएस वर्ड।